अल्लाह के लाडले बन जाओगे, अल्लाह के चहेते बन जाओगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाहु अकबर। वो मुसलमान खुशनसीब जिससे अल्लाह मोहब्बत करने लगे। आज दुनिया का कोई बड़ा आदमी हमसे मोहब्बत करने लगता है, गलियों में, चौराहों में, नुक्कड़ों में हम जिक्र करते हैं, फला आदमी हमसे मोहब्बत करता है, हमारा रिलेशन है उसके साथ, हमारे ताल्लुकात है उसके साथ, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करने लगे, अल्लाह का जो लाडला बन जाए उसकी खुशनसीबी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए कुरान करीम सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 पढ़िए। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। अल्लाह ताला कह रहा है, ए नबी ऐलान करो, अगर तुम लोग, قل إن كنتم تحبون الله, अगर तुम्हारा ये दावा है कि अल्लाह से मैं मोहब्बत करता हूँ, तो फत्तबिउनी, मेरी इत्तेबा करो, मेरी बात मानो, मेरी पैरवी करो। अगर ऐसा करोगे युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह के चहेते और लाडले बन जाओगे, और जब अल्लाह के लाडले बन जाओगे, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इस आयत से बात क्लियर हो गई कि अगर हम जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत हमें मिले।